बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो इस चीज़ का इतने दिन से इंतजार था कि जब से हम देखे लाइव में देखे कि हाँ अब आएगा इनका भागवत सागर में फिर से है, तब से हम एकदम तैयार थे। अच्छा अच्छा। और अचानक से हम चले आए एकदम रातों। जय श्री राम बाबा। जय सीताराम। कहाँ से हैं बाबा? बागेश्वर धाम से हैं। बागेश्वर धाम से कैसा? आप तो बहुत मतलब कि किस्मत वाले हैं कि आप बागेश्वर धाम से हैं। साथ है रहते हैं, कथा सुनते हैं, मरिए भगवान का स्मरण करते हैं, यही सबसे अच्छी बात। बाबा कहाँ से हैं? झिला। झिला से। झिला से। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अच्छा अच्छा। गुरुदेव महाराज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नमस्कार। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों मैं अभी उपस्थित हूँ सागर के खुरई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भव्य पंडाल और बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों आज होने वाला है गुरुदेव महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर कथा। आज है दोस्तों 6 तारीख। आप देख सकते हैं आज भव्य तैयारी हो चुकी है। दोस्तों मैंने आपको कल रात का वीडियो भी दिखाया था। आप देख सकते हैं पूरी पंडाल, भव्य पंडाल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और बहुत से श्रद्धालु अभी आ भी चुके हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये भव्य पंडाल भी बन चुका है और गुरुदेव महाराज का आसन भी लग चुका है। दोस्तों तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं और भी कुछ दृश्य दोस्तों, और लोगों से मैं बात भी कराऊंगा कि यहाँ पर बहुत से भक्त आ चुके हैं। अभी से ही सुबह का टाइम है दोस्तों, और मैं उन लोगों से बात भी कराऊंगा कि वो लोग का मतलब कि यहाँ का क्या राय है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पंडाल उंडाल बन करके रेडी हो चुका है। बहुत सारे यहाँ पर भक्त भी आ चुके हैं, देख सकते हैं। कहाँ से हैं भैया? हम इंदौर से। इंदौर से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज जाट। क्या करने आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर गुरुजी की कथा सुनने हैं। अच्छा। और आपको मतलब कि यहाँ पर गुरुदेव महाराज आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुदेव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम गुरुदेव के बारे में यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने अभी एक उन्होंने प्रण लिया है कि वो हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी। हाँ। उसका आप सपोर्ट करते हैं? हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप कहाँ से हैं भाई? मैं भी इंदौर से हूँ। इंदौर से। हाँ। आप भैया? बुरहानपुर से भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। कैसा लग रहा है? एक नंबर। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी भक्त यहाँ पर खुश हैं। आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? वहाँ पर इलाहाबाद से। वहाँ से कहाँ? इलाहाबाद झूसी से। झूसी। क्या इश्वरी करते हैं क्या आपको? तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मतलब कि ये VIP एरिया है और यहाँ पर सभी भक्त आकर के बैठे हुए हैं, और मैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। उधर जनरल भक्तों के लिए आगे की तरफ इस बैरिकेड जो लगा हुआ है उसके आगे सभी लोग बैठने का व्यवस्था है, लेकिन ये जो जिस बॉक्स में मैं हूँ दोस्तों ये VIP बॉक्स है। आप लोग कहाँ से हैं भैया? ये खुरई से। खुरई। वाह क्या बात है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बस घर की खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं। आप लोगों का नाम क्या है? हमारा भागीरथ कुशवाहा और रवि कुशवाहा। तो देख सकते हैं दोस्तों, और आप लोग खुरई में गुरुदेव महाराज आ रहे हैं, आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अच्छा। और क्या, और बहुत खुश भी हैं। हाँ। इस पल का बहुत इंतजार था। इस पल का बहुत इंतजार था। बहुत इंतजार था। खुरई में कब आ रहे हैं? अच्छा अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव के लिए? जी गुरुदेव के लिए ये बोलने चाहेंगे जल्दी से जल्दी आ जाए, बहुत एक्साइटेड है अभी। अच्छा। और क्या, तो देख सकते हैं दोस्तों खुरई के लोग हैं और खुरई के लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि गुरुदेव महाराज यहाँ पर आएंगे और सभी को दर्शन देंगे। देख सकते हैं और कुछ संत यहाँ पर बैठे हुए, उन लोगों से भी मैं बात कराऊंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर बैठे हुए बाबा कहाँ से हैं? झिला। झिला से। झिला से। हाँ। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अच्छा अच्छा। गुरुदेव महाराज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ। आप कहाँ से? हम बगिया से आए। अच्छा। और कुछ गुरुदेव के बारे में कहना चाहेंगे आप? हाँ बहुत खुश हैं, गुरुजी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। कहाँ से भाई? खुरई। अच्छा। क्या नाम है आपका? राहुल। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मतलब कि अभी सुबह का टाइम है, सभी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मतलब कि ये VIP बॉक्स है, यहाँ से सभी लोग खाली भी करना पड़ेगा क्योंकि उधर बैठना पड़ेगा सभी को।
और मैं और लोगों से भी बात कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये संतों का यहाँ पर ये जो मंच बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पर संतों का यहाँ पर मंच है ये, और यहाँ पर सभी संत यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जय श्री राम बाबा। जय सीताराम। कहाँ से हैं बाबा? बागेश्वर धाम से हैं। बागेश्वर धाम से कैसा? आप तो बहुत मतलब कि किस्मत वाले हैं कि आप बागेश्वर धाम से हैं। साथे रहते हैं, कथा सुनते हैं, मरिए भगवान का स्मरण करते हैं, यही सबसे अच्छी बात है। अच्छा अच्छा है कि नहीं? तो देखिए गुरुदेव महाराज ये भी बागेश्वर धाम से ही हैं। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये संतों का ये मंच है यहाँ पर। संतों का मतलब कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि संतों का भी एक स्थान दिया जाता है गुरुदेव महाराज के कार्यक्रम में, और बहुत खुशी की बात है, और संतों का स्थान मिलना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों और लोगों से बात कराते हैं आपको। भैया जी कहाँ से हैं आप? हम जबलपुर से हैं। और क्या करते हैं? बस पढ़ाई करते हैं। वीडियो भी बनाते हैं क्या? हाँ। क्या चैनल का नाम है? नितेश ब्लॉग 3.2। नितेश ब्लॉग 3.2। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं इन भाई का यूट्यूब चैनल भी है, इनको सपोर्ट करें आप लोग। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बागेश्वर धाम का ही वीडियो डालते हैं? हाँ, बागेश्वर धाम का होगा, इनका चार का होगा। अच्छा अच्छा। नितेश ब्लॉग 3.2। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत से मतलब कि हजारों की संख्या में यूट्यूबर भी आते हैं, और कुछ महिलाएं भी हैं। उन लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों बहन आप लोग कहाँ से हैं? बहन कहाँ से हो? सीधी से हैं भैया। सीधे? सीधी सीधी सीधी। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम सपना। कैसा लग रहा है यहाँ पर बागेश्वर धाम के मतलब की कथा में आकर के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो इस चीज का इतने दिन से इंतजार था कि जब से हम देखे लाइव में देखे कि हाँ अब आएगा इनका भागवत सागर में फिर से है, तब से हम एकदम तैयार थे। अच्छा अच्छा। और अचानक से हम चले आए। अच्छा, एकदम अच्छा। रातों रात के सफर में। अच्छा आप बहन बोले कुछ? हम सागर से हैं। सागर से? हाँ। अच्छा कैसा अनुभव कर रही हैं आप? आपके जिले में गुरुदेव महाराज आ रहे हैं? तीसरी बार कथा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। नहीं तो कोई कोई शहर में ऐसा रहता है कि साल साल भर वेट करते हैं तो भी नहीं होती। किसी किसी जिले में तो आए भी नहीं है। ये भाग्यशाली जिला, हम लोग भाग्यशाली हैं सागर वाले कि तीन बार आ रहे। हाँ, तीसरी बार आ गए सागर में, और देख सकते हैं बहुत खुश हैं सागर के लोग कि यहाँ पर गुरुदेव महाराज तीसरी बार आ गए। आंटी कहाँ से हैं आप? यहीं से खुरई। अरे बहुत बढ़िया बात है। तो खुरई के लोग क्या सोचते हैं गुरुदेव महाराज आ रहे हैं? बहुत खुश हैं। सभी लोग खुश हैं। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों ये मतलब कि बाहर के लोग तो बाहर के लोग होते हैं, खुरई के लोग जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं वो भी सुबह सुबह आके बैठ गए हैं कि हमें गुरुदेव महाराज का दर्शन हो जाए और आगे बैठने को मिले। तो देख सकते हैं कहाँ से बाबू तुम? साथ में मतलब कि क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू। तो देख सकते हैं दोस्तों बच्चे भी सुबह सुबह आ चुके हैं, और गुरुदेव महाराज के यहाँ पर मंच सज चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ये वीडियो बना के दिखाया सुबह सुबह, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह जगा दोस्तों यहाँ पर आया तो देखा कि बहुत सारे भक्त आ चुके थे। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।